सहना और कुछ न कहना। ये तो गलत है मेरी प्यारी बहना, औरत के हक में कानून बने हैं, सब पर हैं लागू जितने भी जने हैं। सहते 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 भी रहेगी मान, सुनाएगी ही नहीं तो सुनेगा कौन। इसलिए बोल बसंतो, जरा मुंह खोल बसंतो, बात को तोल बसंतो, बसंतो बोल बसंतो। अभिनेता और पुलिस पर भी, हाँ हाँ पुलिस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। पुलिस किस लिए होती है? सुरक्षा के लिए, हम सब नागरिकों की पूरी रक्षा के लिए। मकान किधर बन रहा भाई? अच्छा अच्छा मकान आगे बढ़ा के क्रोचमेंट हो रहा है ये क्या? अरे यही जो आगे बढ़ा के बना रहे हो गैर कानूनी रूप से, ये नहीं बन सकता। ए थोड़ा मिस्त्री जी से चलो। ये क्या कह रहे हैं सिपाही जी? पूरा पैसा देके मैंने ये 50 गज का प्लाट खरीदा है, पक्की रजिस्ट्री है मेरे पास, कागज दिखाऊं? भाइयों दीवार तो बन नहीं सकती तेरी, ओए तोड़ दे सा, चल हटा। हाँ दीवार चिनने वाला बड़ा चिनाई करेगा। रखवा बनानी है दीवार, 500 रुपये लगेंगे, 500 रुपये ठीक है, ऊपर तक देना पड़े हमें, समझी कुछ? अरे टुकर टुकर मेरा मुंह क्या देख रही है, क्या कह रहा हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा तेरे? वो क्या समझेगी, मुझे समझा तू, किस बात के 500 रुपये? तू कोऑपरेशन का आदमी है क्या? ऑर्डर लाया है कोई? बोल किस बात के 500 रुपये? ठीक है हल्ला क्यों कर रही है? फोर्स आएगी ना जब पता पड़ेगी तेरे को। फोर्स आएगी बड़ा आया फोर्स का नाना, तू ना घबराया कर इन ठुल्लों से, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया हमने, सबने इसी तरह मकान बनवाए हैं, बड़ा हराम का पैसा लग गया है उसके मुंह में। अरे रानी बिटिया उस ठुल्ले से डर गई क्या? चाची लगता है ये मकान बना के बड़ी गलती करी, जमीन का पैसा था जमीन में लगा दिया, इसमें गलती किस बात की? मैं तुम्हारे पास ही पड़ी रहती,
सेवा भी करती तुम्हारी। यहाँ तो 100 झमेले हैं। वो घर तो तेरा है ही, ये घर तेरे बच्चों के लिए हो गया। लाजो वर्दी देख के घबरा गई थी चाची। बस जरा सी वर्दी की शान है भरोसे, वरना क्या रखा है इस नौकरी में। बार नौकरी में तो ना धरा कुछ भी, पर देखे वर्दी में बहुत कुछ है और इन जूतों में बहुत कमाल है भाई। तेरे जैसों के लिए होगा जो हर वक्त मुर्गी फंसाने के लिए मौके की तलाश में रहते हैं। एक दिन पकड़ा जाएगा रंगे हाथ, बता देता हूँ। अरे ऐसे ही सत्यवादी हरिश्चंद्र है तो पुलिस की नौकरी में आ क्यों था भाई, है? क्यों भाई? सब पुलिस वाले तेरे जैसे नहीं होते, तेरे जैसों की वजह से ही पुलिस बदनाम है। एक कविता लिखी है, सुनेगा? कविता? अरे पुलिस वाला होके कविता लिखे, शर्म ना आती तो है? अरे मजाक नहीं, सुन। कविता का नाम रखा है हर बार। हर बार दमियल माँ की अंग्रेजी दवाई और आटा दाल गुड़ की महंगाई, बराबर की तनख्वाह खा जाती है। हर बार मुनिया स्लेट को रोती रह जाती है, हर बार चंपा की धोती रह जाती है। हर बार वर्दी धुलवाना जरूरी है, हर बार जूते चमकाना मजबूरी है, पर मुरझाए चेहरों पर चमक नहीं आती है। हर बार चंपा की धोती रह जाती है, हर बार। हर बार वही जवाब, वही जवाब। हराम जादे, पैसे नहीं है, जेल बोलती है। तीन घरों में ही तो करती हूँ काम, चौथा कौन सा किया है मैंने? तुम्हें जेल कैसे लगती है? झूठ बोलती है, छुपाती है मुझसे। 30 रुपए दे दे बरन। कहीं से मिला रमली, मेरा बदन टूट रहा है, दारू चाहिए दारू। मैं कहां से लाऊं? बच्चों के लिए तो पूरा नहीं पड़ता, अब ये मुझे शराब के लिए भी कमाओ। क्या क्या बोली? मैं कहती हूँ मेरे बस का नहीं है। जवान लड़ा दिया है दादी। किसके लिए जमा दिए तू पैसे? मेरे लिए। मुझे पैसे चाहिए, रमली पैसे चाहिए, मुझे जरूरत भी नहीं है। तू पैसे दे मुझे, 30 रुपए दे मारे ना। रे पहले तो चोरी कर ली, अब बैठी हो रो रही है यहाँ पे। रे बड़ा हो लिया नाटक, चल खड़ी हो, ड्रामा बंद करिए, हट। अब ना पसीजने वाले तेरे बाप। हाँ और दीदे फाड़ ले, चल खड़ी हो, हटो हटो, ऊपर ही गिर पड़ोगे क्या? तो फिर मिल गया, क्या हुआ री? पहली बार किया है, भगवान का सब। ये मेरा पर्स चुरा के भाग रही थी। लौटा तो दिया, पर चोरी क्यों करी? आखिरकार पकड़ी गई ना, बड़ी वारदातें करती फिर रही थी इलाके के में। आदमी शराबी है बहना, बच्चों को 2 दिन से खाना नहीं मिला, कहाँ से लाऊं पैसा, कोठे पर बैठ जाऊं? देखा भैया क्या नाटक कर रही है ये, हैं? रे पहले तो चोरी कर ली, अब बैठी हो रो रही है यहाँ पे। अरे बड़ा हो लिया नाटक, चल खड़ी हो, आज इलाके में बंद करता हूँ भैया, चल खड़ी हो। ए भाई तू होगा सिपाही, पर औरत को इस तरह हाथ मत लगा, ये गैर कानूनी है। अच्छा अब तू कानून सिखाओगे हमें? चल नहीं खड़ी हो, चला चल, चला चल। नहीं ले जा सकता, छोड़ दे इसे। क्यों, तू भी इसके साथ है क्या? ये भी चोटी होगी, इसे भी साथ ले जा। कौन बोला? सामने तो आ जरा। छोड़ दो तुझे, हैं? नहीं छोड़ दो। अरे छोड़ दो, क्यों? चोरी ना करी मैं। हाय हाय हाय। अरे चलो तू, तुझे आज बंद करूंगा थाने। ऐसा कहने से छोड़ दूंगा तेरे। रे छोड़ दे अब रोना, थाने चल के रो लिए जिसे रोना तेने। ए तू कहाँ आ रही है पीछे पीछे? इसकी हिफाजत करने के लिए। मैं कोई भूत हूँ जो इसे खा जाऊंगा? कसाई हूँ मैं, हैं? ससुरी बदनाम करती फिर रही है इलाके में, जवाब तलब हो जाती है मारी। तू जा अपना काम कर, वरना ठाकर तुझे भी बंद कर दूंगा थाने में। आ चल। मेरे आदमी का नाम सतपाल है, 456 सेवा कॉलोनी। अरे सेवा कॉलोनी जाकर थाने में बताइए। संतराम टोकरी देखना भैया, मैं अभी आई। अरे बड़े दिनों में कब्जे में आई है तू, आज नहीं छोड़ूंगा तो। देख जो पीछे आ रही है ना, इसे रोक दियो, आना मत दे भीतर। चल मैं तेरा इलाज करूंगा, चल रखो हाथ।
अरे अंदर कहाँ घुसे जा रही है, चल बाहर चल चल। अरे चल 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 चल। और पुलिस वाले कैसे होते? ऐसे ही होते बसंत। तो अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तू खुद इस मामले को निपटा। ऐसा कर, बस्ती की औरतों को इकट्ठा कर ले और ले जा थाने। वैसे पुलिस के बारे में मोटी मोटी बातें तो तू जानती है। भारतीय दंड संहिता या आईपीसी ये बताता है कि अपराध क्या है और उसकी सजा क्या है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या सीआरपीसी वह कानून है जिसमें लिखा हुआ है कि पुलिस अपने विशेष अधिकारों के तहत काम कैसे करेगी। पुलिस यदि अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल कानूनन ढंग से नहीं करती है तो वो भी अपराधी है, और लोगों को पुलिस के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। पुलिस कोई गैर कानूनी काम करती है तो नागरिकों को उसके लिए मुआवजा भी मिल सकता है। अब तुम जाओ, मुझे बहुत काम करना है। मैं जाऊं सर? नहीं। अच्छा तो नौबत यहां तक आ गई है, हरामजादी कुतिया कहीं की। शरीफ लोगों के काम है ये? कोई इज्जत इज्जत ही नहीं रह गई कोई। मेरी तो नाक गड़ा दी उसने। तेरी बीबी को थाने ले गए हैं, तू चल तो सही। किसकी बीबी? कौन सी बीबी? तलाक तलाक दे दूंगा उसे, निकाल दूंगा घर से। ये मर्दुए पहले तो धंधा करवाते हैं, बाद में पीछे हट जाते हैं। जब औरत पैसा लाती है तब कभी नहीं पूछते कहाँ से लाई कैसे लाई। ना मर्द कहीं का, तू चल लाजो बस्ती से कुछ औरतों को ले लेते अपने साथ, मरने दे से। कहाँ छिपा रखा बटवा? देखिए मेरे पास। अरे दिखा तो। ओहो तूने नहीं करी चोरी? ओहो तुम इस तरह तलाशी नहीं ले सकते। तो कौन है भाई? मर्द पुलिस औरत की तलाशी ले गैर कानूनी है। कहाँ है तुम्हारे थानेदार साहब? अपनी सीट पे बैठे हैं। लाजो हर प्यारी आ मेरे साथ। चल आ तू परे को, चोरी नहीं करी मैंने। ठीक है सुन लिया, अब बाहर बैठो। लेकिन माई बाप वो लोग तलाशी ले रहे हैं एक औरत की। चोर की तलाशी नहीं लेंगे क्या? आरती उतारेंगे उसकी? लेकिन तलाशी तो सिर्फ महिला पुलिस ले सकती है। तुम बाहर बैठो, मैं देखता हूँ थोड़ी देर में। कमाल है, दिए तले अंधेरा, आपके रहते हुए ये सब हो रहा है? आपकी नाक के नीचे गैर कानूनी काम? अरे सुना नहीं तुमने साहब ने क्या कहा? चलो बाहर बैठो। मैंने तो सुन लिया पर तुम्हारे साहब ने नहीं सुना शायद। ये नहीं सुनेंगे तो और बड़े साहब के पास जाऊंगी। और बड़े साहब कौन? DIG साहब। वो नहीं सुनेंगे तो कहाँ जाएगी? वो नहीं सुनेंगे तो IG साहब के पास जाऊंगी, कमिश्नर के पास जाऊंगी, जिला मजिस्ट्रेट के पास जाऊंगी, और कोई नहीं सुनेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। सुना आपने? सब जानती। आप किसी संगठन की ओर से हैं क्या? बाहर चलकर देखिए पहले। चल लाजो। क्या चल रहा है भरोसे? तलाशी सर जी 2500 वारदातें कर चुकी है, इस चोटी के कारण पूरा इलाका बदनाम हो रहा। हाय तोबा मचा रखी है, हाय तोबा। सर जी तलाशी नहीं लूं क्या? आप भी तो तलाशी लेते हो जनाब जी। भरोसे इंस्ट्रूमेंट, ट्रेनिंग में कैसे कहा गया था औरतों की तलाशी नहीं लेना? ट्रेनिंग की तरह काम करें ना तो पुलिस को कोई पुलिस नहीं मानने का सर जी। ट्रेनिंग में तो कहें डंडा मत छुआओ, हथकड़ी मत लगाओ। सर जी हमें थाना चलाना, कोई गौशाला थोड़ी चलानी है। बोल भरोसे, मौके का मायना कर, देख नहीं रहा? माफ करना बहन जी, महिला पुलिस बहुत दूर वाले थाने में बुलाई जा चुकी है, लेकिन ये औरत बहुत शातिर है। आप लोग गृहस्थी वाली सीधी सादी औरतें, आपको नहीं मालूम इसका चाल चलन? चाल चलन देखिए अपने सिपाही का। हमें FIR लिखवानी है आपके सिपाही भरोसे के खिलाफ। पुलिस के खिलाफ FIR नहीं होती? कैसे नहीं होती? हम सभी अभी जा रहे हैं मजिस्ट्रेट के पास। साहब जी क्या कह रही है? फिक्र मत करें जी, हम लोग अभी आते हैं।
अभी आते हैं। चलो हम लोग चलेंगे। हैं? अरे बहन जी रुकिए, बात सुनिए। करतार? जी जनाब। चलो FIR लिखो, बरोटर के लाओ। जी जनाब। लाजो, ये तो लाइन पे आ गया, लेकिन ये FIR का मतलब क्या हुआ? जानकारी तो बस्ती की हर औरत को होनी चाहिए। एक दिन वकील साहब को लेके आऊंगा तुम्हारी बस्ती में। तभी सतपाल जैसों की अकल ठिकाने आएगी। अब और शर्मिंदा मत करो चाची, मैं समझ गया, अब मैं सुधर गया। तू अभी नहीं सुधरा है, जा निकल जा यहाँ से, और जब तक दारू ना उतरे घर के अंदर पैर न रखना, और ये ना समझना कि रमली अकेली है। जा। ठीक है, जाता हूँ, लेकिन ये तो बता दो इसकी जमानत किसने कराई? चला जाए यहाँ से। रमली की जमानत के वक्त वो लोग समझे कि हम लोग जाहिल औरतें हैं। 1000 रुपए की जमानत का मतलब ये थोड़ी है कि थाने में 1000 रुपए जमा करने पड़ेंगे।
अरे बहना रुग्घा को तो ठग लिया पुलिस वालों ने, बोले 500 की जमानत है और 500 ले आओ। वो तो घूस ली उन्होंने, जमानत की रकम सिर्फ जमानत के पर्चे में भरी जाती है, दी नहीं जाती, क्यों चाची? और नहीं तो क्या, मैंने और हर प्यारी ने रमली का जमानत पत्र भरा, नाम पता लिखा, थाने का नाम लिखा, जमानत की रकम लिखी, मैंने मकान के, हर प्यारी ने दुकान के कागजात दिखाए, शर्तनामे पे दस्तखत किया और हो गई जमानत। रमली को पूछताछ के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता, पुलिस घर पे ही सही टाइम पे आके पूछताछ करेगी। मेरे लिए तो तुम देवी बन के आई हो चाची, मैं उधर जेल में सड़ सड़ के मर गई होती, इधर मेरे बच्चे भूखों मर जाते, अगर इनकी दारू छुड़वा दो तो मेरा घर स्वर्ग बन जाए। अरे रमली फिकर मत कर, और तुझे जेल कैसे भेज देते, छोटे मोटे मामले में तो थाने में ही जमानत हो जाती है। मालूम है तुम लोगों के आने से पहले थाने में मुझे 2 आदमियों के साथ बंद कर दिया था। अच्छा, तुमने थाने में ही क्यों नहीं बताया? पुलिस मर्दों के साथ औरतों को नहीं बंद कर सकती, ये सरासर गैर कानूनी है। क्या है गलत और क्या सही, क्या करे पुलिस और क्या नहीं, इसे जानना होगा, हाँ जी जानना होगा। बेवजह फंसोगी अगर ज्ञान ना होगा, इसे जानना होगा, हाँ जी जानना होगा। आए यदि पुलिस गिरफ्तार करने को, क्यों है ये गिरफ्तारी पहले बताना होगा, यह भी बताना होगा जुर्म कौन सा है बना, दफा कौन सी लगी, वारंट दिखलाना होगा। लेकिन है ऐसे अपराध कुछ जिनमें की पुलिस दिखाए वारंट ये जरूरी नहीं, जुर्म संगीन हो, पुलिस ऐसी हालत में कुछ भी बताए तुम्हें ये भी मजबूरी नहीं। कानूनी सलाह लेना हक बनता है, पर शर्त है वकील को तुरंत बुलवाया जाए, रिश्तेदार साथी यदि जाना चाहे थाने संग, हक है तुम्हारा उन्हें संग में ले जाया जाए। पुलिस को यह अधिकार नहीं रोके, उन्हें रोकती अगर है तो कोई गड़बड़ है, रहना सचेत, हाँ अकेले थाने जाना नहीं, जान लेना पुलिस की थोथी ये अकड़ है। संग में रहेगा कोई पति भाई नंदोई, ये अनुरोध उन्हें मानना होगा, इसे जानना होगा, हाँ जी जानना होगा। बेवजह फंसोगी कानूनी नहीं है बल का प्रयोग पुलिस का, यदि कोई खुद को हिरासत में देता हो, हाथ भी छुआ सके वो, यह अधिकार नहीं, ऊंचा अधिकारी हो या नेता का चहेता हो। इतना भी जान लें कि गिरफ्तारी के समय गैर कानूनी होता हथकड़ी का इस्तेमाल, सिर्फ उनको ही डाली जा सकेगी हथकड़ी, बड़े अपराधी हो या भागने की हो कुचाल। गिरफ्तारी हो गई, पुलिस थाने में ले आई, जुर्म तुमने जो किया जाने अनजाने में, 24 घंटे से ज्यादा रखना हिरासत में, पुलिस को यह अधिकार नहीं थाने में। पूछताछ के बहाने औरत को बुलाएं थाने, गैर कानूनी है ये, तुम थाने जाना नहीं, बिना पढ़े बिना जाने तुम किसी कागज पे दस्तखत करना या अंगूठा लगाना नहीं। जबरन लिखवाएं या अंगूठा लगवाएं, कोर्ट को मंजूर